वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 10 बीमारियां जिनसे सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है वो है हार्ट स्ट्रोक या दिल से जुड़ी बीमारी, डायबिटीज, टीबी, एचआईवी एड्स, लंग कैंसर। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कब कहां से कहर बरपाए इसे आप पता तो नहीं लगा सकते, लेकिन इसका सामना करने के लिए तैयार जरूर रह सकते हैं। और इसी तैयारी में आपकी मदद करता है बीमा। जी हाँ, जीवन बीमा हो या हेल्थ बीमा, योर मनी आज आपको कुछ खास बीमारियों के बीमा के बारे में बताएगा। मसलन कैंसर, हार्ट ट्रबल, डायबिटीज, डेंगू जैसी बीमारियों के लिए अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ से ले और लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखिए, ये योर मनी आज आपको बताएगा। नमस्कार, मैं हूँ कविता सप्लियाल और आज योर मनी में हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा। अनिल जी, आपका स्वागत है। तो यहाँ आज हमारा फोकस रहेगा इन खास बीमारियों पर। अनिल जी, जहाँ पर हमने देखा है कि सबसे ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी बीमारी को पकड़ लें, अगर हम खर्चे की बात करें तो कई बार आपकी पूरी की पूरी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। मुझे ये बताइए कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में कौन कौन सी स्पेसिफिक ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए अलग अलग पॉलिसीज आजकल मिलती हैं? देखिए, जो कॉमन बीमारियां हैं जिसके लिए स्पेसिफिक डिसीज पॉलिसीज मिलती हैं, उसमें डायबिटीज का नंबर वन आता है और दूसरा हार्ट एलिमेंट्स का आता है। तो ये दो एक बड़ी बीमारियां हैं और साथ में हाइपरटेंशन भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट एलिमेंट, इन तीन बीमारियों के लिए स्पेसिफिक डिसीज पॉलिसीज बनी हुई हैं। और जैसे आपने अपने शुरू में बोला कि डेंगू टाइप की बीमारियों के लिए भी कुछ पॉलिसीज निकली हैं, बट जो ज्यादा पॉपुलर हैं, जो पूरी कंट्री में हर एक शहर में ली जाती हैं, उसमें हार्ट एलिमेंट्स, हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी और डायबिटीज, इन तीन बीमारियों की स्पेसिफिक डिसीज प्लान्स हैं। लेकिन इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस प्लान्स भी काफी पॉपुलर हैं, जिसमें 25 तरह के तरह तरह की डिफरेंट इंक्लूडिंग कैंसर टाइप की जो बीमारियां हैं वो सब भी कवर होती हैं। और अगर उनसे कोई उनसे जुड़ा कोई खर्चा आ जाता है इलाज कराने का, तो अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो वहां से आपकी उसकी भरपाई हो जाती है और आप अपनी पूंजी जो वैसे जुड़ी हुई है आपने उसको टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल, यहाँ पर अनिल जी हम ये डिस्कस करें कि किस बीमारी के लिए किस तरह की अलग पॉलिसी है। आपने सही कहा, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान अगर आपके पास है तो काफी हद तक कई सारी बीमारियां जो हैं क्रिटिकली गंभीर रूप की बीमारियां जो हैं वो कवर हो जाती हैं। लेकिन क्या वो कवर पर्याप्त है या हमें अलग से अपने आप को कवर करना चाहिए इन खास बड़ी बीमारियों के लिए? देखिए, ये डिपेंड करेगा हर एक इंसान के ऊपर, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। जो क्रिटिकल इलनेस प्लान्स हैं वो तो एक हेल्दी लोगों के लिए हैं, क्योंकि बीमारी कब किसको आ जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लाइफस्टाइल के चलते काफी तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो 50-55 के बाद आ घेरती हैं सब लोगों को। तो जिन लोगों का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन ये एक अंदेशा है कि किसी भी तरह की बीमारी आ सकती है, उनको तो चाहिए क्रिटिकल इलनेस प्लान ले वो, क्योंकि उसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड है। यानी कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, डायबिटीज ऑलरेडी है या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रखी है, उससे जुड़ी हुई अगर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट आती है तो 4 साल तक उसमें क्लेम नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 4 साल निकाल जाते हैं, उसके बाद कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसका पूरा आपको बेनिफिट मिलता है। और एक और बात कविता, यहाँ पे हम बताएं सारे दर्शकों को कि जो क्रिटिकल इलनेस जो प्लान्स हैं वो मोस्टली बेनिफिट प्लान्स हैं, यानी कि उसमें जो भी एक लिस्ट है क्रिटिकल इलनेसेस की, 20 क्रिटिकल इलनेसेस की लिस्ट है, उसमें टोटल डेफनेस, टोटल ब्लाइंडनेस और तरह तरह की बीमारियां हैं। जैसे ये डायग्नोज होती हैं, डायग्नोसिस पे ही एक बड़ी रकम जो कि आपने ऑलरेडी तय कर रखी है वो अमाउंट आपको मिल जाता है, चाहे इलाज में खर्चा उससे कम हो या ज्यादा हो। तो ये एक डिफरेंट फीचर है जो कि क्रिटिकल इलनेस प्लान में मिलता है, यानी कि डायग्नोसिस पे ही आपको अमाउंट दे दिया जाता है। लेकिन जो स्पेसिफिक डिसीज प्लान्स हैं उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस भी डेफिनेटली कवर्ड रहती हैं। अगर किसी को ऑलरेडी डायबिटीज है लेवल 1 या लेवल 2, या हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, स्टेंटिंग हो चुकी है, या हार्ट में कुछ छोटी मोटी सर्जरी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, उसके बाद भी अगर आपको अंदेशा है कि दोबारा से हो सकता है, तो उसको कवर करने के लिए भी पॉलिसीज हैं। लेकिन वो बेनिफिट प्लान्स नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक डिसीज है जो डायग्नोज हो चुकी है और आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया है, उसमें पहले 90 दिन तक का एक पीरियड रहता है जिसमें अगर क्लेम आ जाए तो नहीं मिलता है। लेकिन अगर 90 दिन के बाद अगर क्लेम आता है तो जितना भी खर्चा होता है एज पर दी पॉलिसी टर्म्स वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डायरेक्टली सेटल कर देती है। तो ये दो तरह के प्लान्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वालों के लिए स्पेसिफिक डिसीज प्लान,
और जिनका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन क्रिटिकल इलनेस किसी को भी आ सकती है, तो उनको चाहिए कि वो एक क्रिटिकल इलनेस प्लान लेके रखें। लेकिन इसके अलावा हम कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज के बारे में भी जो कि दिल से जुड़ी बीमारी के लिए खास तरह की पॉलिसी दी जा रही है, इस पॉलिसी को लेने का के पैरामीटर्स क्या है अनिल जी? हमें ये पॉलिसी जो है अगर आप डिटेक्ट हो जाता है अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है उस वक्त आपको लेनी चाहिए, या अगर पहले से ही लेंगे तब आप क्वालिफाई होते हैं इस पॉलिसी के अंडर कवर के लिए? हाँ डेफिनेटली, जो कार्डियक केयर जो स्टार हेल्थ की, पहले तो बता दें कि जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये सिर्फ एक प्योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और इसको काफी तजुर्बा है वर्ल्ड वाइड, डिफरेंट कंट्रीज में ये ऑपरेट करते हैं, तो इनके पास काफी अच्छे फीचर्स हैं। इन्होंने हमारी कंट्री में नए फीचर्स लाके रेवोल्यूशनाइज कर दिया है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। तो जो इनकी कार्डियक केयर जो प्लान है वो डेफिनेटली ऐसे लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी किसी तरह की कार्डियक प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुकी है या उनकी स्टेंट्स भी पड़ चुकी हैं, तब भी वो ये प्लान ले सकते हैं। अगर बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है उसके बाद भी ये प्लान ले सकते हैं। हम कुछ चीजें बता देते हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि ये प्लान लेते वक्त आपकी उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी टाइप की हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस की प्लान हो, चाहे वो स्पेसिफिक डिसीज जैसे हम अभी कार्डियक केयर की बात कर रहे हैं, डायबिटीज की बात करते हैं उसके बाद, इन सब में जो एंट्री एज है मैक्सिमम वो 65 है। अगर आपने 65 के हुए हैं और ये प्लान ले लिया आपने, तब आप उसको रिन्यू कंटिन्यूअसली करा सकते हैं, इवन जब आप 70 75 80 85 के भी हो जाते हैं, लेकिन एंट्री के टाइम जो एज है वो 65 से कम होनी चाहिए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो प्री एग्जिस्टिंग आपके जो एलिमेंट है वो 90 दिन कम से कम आपको इमीडिएटली क्लेम पॉलिसी लेने के बाद नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी पूरी तैयारी है नेक्स्ट सर्जरी कराने की और इमीडिएटली आपने प्लान लिया और अगले दिन भर्ती हो गए तो वो क्लेम नहीं मिलेगा आपको। कम से कम 90 डेज का गैप होना चाहिए पॉलिसी लेने में और उसके बाद उस अपने हार्ट एलिमेंट को दूर करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट कराने में। इसके अलावा इसमें दूसरी भी जो डिसीजन, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कार्डियक केयर लिया तो दूसरी डिसीजन कवर नहीं है, दूसरी डिसीजन भी कवर हो जाएंगी। डेफिनेटली उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा और इसमें किसी तरह की कोई प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे को ये बीमारी है और उसकी जो भी आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो सारी आपको सबमिट करनी पड़ेंगी ताकि इंश्योरेंस कंपनी को पूरा रिकॉर्ड रहे कि कितनी आपकी अभी तक ट्रीटमेंट हो चुकी है और आगे क्या होने का अंदेशा है। आगे बढ़ते हैं और स्टार हेल्थ की ही डायबिटीज के लिए डायबिटीज सेफ पॉलिसी है जहां पर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को कवर किया जाता है और इसमें भी 65 साल तक के लोगों को ही बीमा दिया जाएगा। लेकिन ये मुझे बताएं कि इस तरह की पॉलिसीज में अगर मैं डायबिटीज की ही बात करूं तो कवर कितना लेना चाहिए, हम कैसे निर्धारित करें? मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सवाल होता है अनिल जी। हाँ नहीं देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का कवर लेना चाहते हैं और जो उसकी जो प्रीमियम है वो भी उसी हिसाब से होता है। मैं आपको एक हमने यहाँ पे एग्जांपल निकाला हुआ है डायबिटीज का कि अगर आपकी उम्र लेते हैं तो आपका प्रीमियम पड़ता है 35,000 रुपए, लेकिन अगर आपकी उम्र 61 साल क्रॉस कर चुकी है तब आपका 5 लाख के ऊपर प्रीमियम पड़ता है 50,000 रुपए। इसमें आप 10 लाख का भी पॉलिसी ले सकते हैं, उसमें प्रीमियम पड़ता है 59,000 रुपीज। तो ऐसे करके आप जब अपने कंसल्टेंट से मिलेंगे तो वो डिफरेंट सम अश्योर्ड की आपकी एज के हिसाब से जो प्रीमियम फिक्स होता है वो आपको बताया जाएगा। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स होते हैं उम्र के 5-5 साल के, जैसे 56 से 60, 61 से 65, आपने 65 से पहले तो पॉलिसी ले ली लेकिन जब आप 66 के हो जाएंगे उसके बाद 71 के हो जाएंगे अगर क्लेम नहीं है तो प्रीमियम जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और रही बात आपने ये पूछा कि कितने अमाउंट की पॉलिसी लेनी चाहिए, तो ये जो क्रिटिकल इलनेसेस इस टाइप की हैं इसमें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्रीमियम तो 10 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो 5 लाख तो कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि अपोलो म्यूनिक एनर्जी की भी पॉलिसी है डायबिटीज और हाइपरटेंशन को ये कवर करती है और ये भी लाइफ टाइम रिन्यूअल है और 65 साल तक की उम्र से पहले ही आपको ये पॉलिसी लेनी होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी आदित्य बिरला क्रॉनिक इलनेस प्लान है अनिल जी, जिसके बारे में बात करना चाहूंगी। बस यहाँ पर ओपीडी दवाएं और जितने भी टेस्ट होते हैं डिटेक्शन के दौरान उसका भी आपको कवर दिया जाता है, उसे भी कवर किया जाता है, तो ये एक एडिशनल फीचर है मेरे ख्याल से जो इस तरह की पॉलिसी में दिया गया है।
जी देखिए, आदित्य बिरला भी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ये इसको 1-1.5 साल हुआ है, और इसने भी आते ही काफी नए तरह के प्लान्स मार्केट में उतारे हैं जिसमें लोगों को काफी इंटरेस्ट आ रहा है। इनका एक जो क्रोनिक इलनेस प्लान है उसको ये ABCD प्लान बोलते हैं, और ABCD जो है वो A फॉर अस्थमा, B फॉर BP, C फॉर कोलेस्ट्रॉल और D फॉर डायबिटीज। तो ये जो चार जो सबसे भयंकर बीमारियां गिनी जाती हैं, अस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, ये चारों इसमें कवर्ड हैं। और जैसे कि पहले बताया कि 65 साल से कम की उम्र होनी चाहिए, और इसमें भी 3 महीने के बाद जब आप पॉलिसी लेते हैं तो कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, तभी क्लेम मिलता है। और इसमें इवन जो OPD जैसे कि मेडिसिन, डॉक्टर की फीस वगैरह, कंसल्टेशन फीस वगैरह, वो सब भी इसमें रीइंबर्स हो जाती है। और इसकी जो एंट्री एज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें रह गई हमारी बताना, कि बाकी में तो बताया कि 65 साल की उसमें मैक्सिमम एंट्री एज है, लेकिन आदित्य बिरला के जो क्रोनिक कवर प्लान है इसमें कोई एंट्री एज की लिमिट नहीं है। तो अगर आप 80 साल के भी हैं तब भी ये प्लान ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली प्रीमियम तब बहुत ज्यादा होगा। कुल आखिरी सवाल उस पर, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। अनिल जी, जिस तरह की पॉलिसीज के बारे में हमने अभी बात की है, वुमन सबका प्रीमियम यहाँ पर ज्यादा ही है, अगर कोई कवर कर सकता है अपने आप को तो कवर करे, लेकिन साथ ही एक क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी हाँ, डेफिनेटली देखिए, क्रिटिकल इलनेस प्लान में एक तो कुछ स्पेसिफिक डिसीजन ही करीब 20 से 30 तक जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं वो कवर हो जाती हैं, और वो एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। ये एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक डिसीज प्लान में अगर आप लेते हैं तो जो एग्जैक्टली खर्चा आपका होगा वो अगर आपकी पॉलिसी अमाउंट के अंदर है तो वो दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने क्रिटिकल इलनेस प्लान लिया तो जैसे ही कोई भी क्रिटिकल इलनेस जो लिस्ट में है वो डायग्नोज होती है, तो डायग्नोज होने पे ही जैसे डॉक्टर सर्टिफाई करता है कि आपको फलानी बीमारी ने घेर लिया है, तो एक एक्स अमाउंट दे दिया जाता है इमीडिएटली वो आपके ट्रीटमेंट के लिए। फिर आपका एक्चुअल ट्रीटमेंट एक्सपेंस उससे ज्यादा हो या कम हो तो इसमें कोई किसी तरह की क्लेम रेपुटेशन की या खर्चा हमारा 8 लाख हो गया, मिला 5 लाख, ऐसी बात रहती नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स अमाउंट होता है और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही आपको मिल जाता है। तो ये एक स्पेशल फीचर है क्रिटिकल इलनेस प्लान का। बिल्कुल, तो आप अफोर्ड कर पाएं या ना कर पाएं, जो खास बीमारियों के लिए हमने इंश्योरेंस प्लान्स आपको बताए हैं, लेकिन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आपके पास जरूर होनी चाहिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी योर मनी का फोकस आज इंश्योरेंस पर ही है। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब हमारा फोकस होगा दर्शकों के सवालों पर, और हम अपना सवाल लेते हैं सबसे पहले विदन चंद्र पॉल का, कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है और कुछ डिटेल्स हैं इनकी जो आपको हम बता देते हैं। इन्होंने अपना निवेश किया हुआ है जिसके बारे में जानकारी दी है, इन्होंने SBI मैग्नम इक्विटी फंड में SIP कर रखी है, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मोस्ट में भी इन्होंने SIP कर रखी है, और मल्टी कैप फंड भी है इनके पास मोतीलाल ओसवाल का, LNT इंडिया प्रूडेंस फंड में भी निवेश किया हुआ है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी है इनके पास, और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज में भी इन्होंने निवेश किया हुआ है, और पूछ रहे हैं कि 20 साल के लिए निवेश अपना जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो कैसा है, 60 लाख तक का रिटर्न क्या मिल सकता है या नहीं। रिटायरमेंट की भी इन्होंने कुछ डिटेल्स हमें दे रखी है। हमारे साथ फोन लाइन पर भी चंद्रा साहब जुड़ गए हैं। नमस्कार, मुझे बताइए रिटायरमेंट के लिहाज से आपने कौन कौन सी पॉलिसीज ली हुई है? रिटायरमेंट के लिए तो मैं एक ही पॉलिसी लिया है। आपने बजाज आलियांज फ्यूचर गेन प्लान लिया हुआ है? जी, फ्यूचर गेन प्लान। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि ये प्लान सही है या नहीं, राइट? बाद में आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान भी लिया हुआ है अपने लिए। पोर्टफोलियो मतलब म्यूचुअल फंड और पूरा इंश्योरेंस का पूरा पोर्टफोलियो में भेजा हूँ। 60 लाख रुपए आपको क्यों चाहिए? सॉरी, 60 लाख रुपए जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं, 60 लाख रुपए का जो रिटर्न आप चाहते हैं चंद्रा जी, वो किस लक्ष्य के लिए है? मेरा भतीजा और मेरा जो भतीजी है उसके करियर के लिए। 20 साल के बाद चाहिए पैसे? चलिए ठीक है। अनिल चोपड़ा हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो इनका पोर्टफोलियो मुझे कंप्लीट पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहूँ तो। इन्होंने अपने लिए लक्ष्य भी डिसाइड कर रखा है और उसको समय भी दिया हुआ है 20 साल का, लेकिन जहां तक रिटायरमेंट जैसे गोल के लिए इन्होंने अपने लिए एक पॉलिसी लेके रखी हुई है, आपको लगता है क्या ये पर्याप्त है? इसके अलावा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से इन्हें कहीं और भी निवेश करना चाहिए?
देखिए ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अच्छा उदाहरण है जो इन्होंने पेश किया है कि इन्होंने अपने सारे गोल्स के लिए कुछ ना कुछ तैयारी कर रखी है। इन्होंने म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टार्ट कर रखी है जिससे ये इनके कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं जो इन्होंने बताए अपने भतीजे के लिए, 20 साल के बाद उनको कुछ पैसा चाहिए। साथ ही इन्होंने एक टर्म प्लान ले रखा है जो कि 85 ईयर्स तक चलेगा, तो यानी कि ऑलमोस्ट इनकी लाइफ कवर्ड है वहां पे। इसके अलावा इन्होंने एक और इंश्योरेंस प्लान भी ले रखा है जिससे ये कुछ पैसे अपनी एक पूंजी जोड़ना चाहते हैं, और एक इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी ले रखा है रैली गेयर का। ये मैंने पढ़ा इसमें इनके सवाल में कि 10 लाख तक की वहां पर भी कवरेज है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट जो फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वेल्थ क्रिएशन, अपनी हेल्थ की प्रोटेक्शन और साथ में ही लाइफ की प्रोटेक्शन, वो सब इन्होंने कर रखा है। रही बात इनके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की, हमने देखा कि वेल डाइवर्सिफाइड है, उसमें लार्ज कैप में भी इनका एक्सपोजर है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है। हम इनको ये सलाह देंगे कि ये कंटिन्यू रखें अपने पोर्टफोलियो को और बीच बीच में रिव्यू करें, और आगे चलते हुए अगर इनकी सेविंग की क्षमता बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, इनकी इजाफा होता है, तो उसमें कुछ और अमाउंट बढ़ाएं, क्योंकि अगर तो रिटर्न आती है 12-13% की तो ये कुल बढ़ के 55 लाख रुपए हो जाएगा। और अगर कुछ ये रकम बाद में बढ़ा देते हैं तो ये जो इनका 60 लाख का लक्ष्य है बड़े आराम से पूरा हो जाएगा। और रही बात रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो इनके लिए डेफिनेटली इनको चाहिए कि किस साल में ये रिटायर होंगे ये तय करें, या इनको पहले से मालूम होगा, और उसके बाद क्या इनको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा, और साथ में इनको रिटायरमेंट पे कितने फंड्स मिलेंगे जो इनकी फोर्स जो इनकी सेविंग्स है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी वगैरह, उसमें कितना गैप पड़ेगा, उस गैप को बैकवर्ड कैलकुलेट करके इनको एक अलग से प्लान लेके चलना चाहिए ताकि ये अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो कंफर्टेबली व्यतीत कर सके। तो इनको थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कब रिटायरमेंट आएगी, कितना पैसा चाहिए होगा, और इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके ही ये अपने अमाउंट को तय करें। रिटायरमेंट का लक्ष्य जो है चंद्रा जी आपको फिर से डिसाइड करना होगा, लेकिन जल्दी से एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगी अनिल जी, जो मौजूदा फंड है पोर्टफोलियो में उसके मुताबिक क्या 20 साल के बाद का जो लक्ष्य है 60 लाख का रिटर्न कमाने का, क्या वो पूरा हो पाएगा? जैसे मैंने पहले बताया कविता की, अगर तो रिटर्न जैसे मार्केट से तकरीबन 12.5-13% की आती है तो 55 लाख रुपया हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत शॉर्टफॉल होगी। इसलिए मैंने बोला कि अगर ये अमाउंट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं 1-2 साल के बाद, तब ये 60 लाख का अपना लक्ष्य आराम से पूरा कर पाएंगे। चंद्रा जी आपको अपना निवेश बढ़ाने की जरूरत है, जब भी आपसे हो सके अपने निवेश को बढ़ाइए, फंड आपके अच्छे हैं इन्हीं फंड्स में अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देंगे दर्शकों के इंश्योरेंस जुड़े सवालों के जवाब। योर मनी में आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है, और हरियाणा से राज का सवाल हम लेते हैं जो कि पूछ रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रू और सहारा लाइफ इंश्योरेंस का मर्जर जो संभव है, क्या उससे पॉलिसी होल्डर पर कोई असर पड़ेगा? अगर कंपनियों का मर्जर हो जाता है तो क्या पॉलिसी की प्रीमियम के जो रेट्स हैं उनमें क्या इजाफा किया जाएगा, बढ़ोतरी की जाएगी? पॉलिसी होल्डर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस तरह के मर्जर्स और एक्विजिशंस जब होते हैं तब? तो अनिल जी मुझे ये बताइए कि फिलहाल तो सैट की तरफ से एक वीक की राहत मिली है सहारा लाइफ इंश्योरेंस को, कहा गया है कि उन्हें एक बार फिर से प्रूव करना होगा कि वो सक्षम है या नहीं कंपनी चलाने के लिए, लेकिन जैसा कि IRDAI का निर्देश था कि ICICI प्रूव जो होंगे कि उनकी पॉलिसीज का क्या होगा, प्रीमियम के रेट्स क्या बढ़ाए जाएंगे या नहीं, पॉलिसी फीचर्स में कोई बदलाव किए जाएंगे या नहीं, क्या जवाब होगा राज के इस सवाल के लिए? देखिए इनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि इनको निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि IRDAI एक बहुत ही स्ट्रांग रेगुलेटर है और उन्होंने ऐसे प्लान्स बनाए हुए हैं कि कोई भी जो बीमा धारक है या जो एक पॉलिसी होल्डर है वो किसी भी हालत में ऑर्फन पॉलिसी या लावारिस पॉलिसी का मालिक नहीं बनेगा। इसलिए जैसे ही कोई इंश्योरेंस कंपनी वीक होती है, जैसे कि अभी सहारा इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है रेगुलेटर्स को कि ये वीक हो रही है और इसको किसी एक मजबूत कंपनी को दे दिया जाना चाहिए, तो उसी के चलते जो इस वक्त कंट्री की नंबर वन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल, उसके हवाले किया जा रहा है, और वो ये तय करेंगे कि एक तो किसी भी पॉलिसी होल्डर को किसी तरह का नुकसान ना हो, ना ही प्रीमियम बढ़ाया जाएगा, और जो उनके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट थे, जो उनके ओरिजिनल प्रोमिसेस या वादे थे, वो 100% पूरे किए जाएंगे। तो इनको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि अब इनको एक ऐसी बड़ी कंपनी में इनको सहारा मिल रहा है कि जहां से इनकी जो फ्यूचर की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो आराम से पूरी होंगी। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अगला सवाल लेते हैं जोगेश कुमार का, जिन्हें अपने लिए टर्म प्लान लेना है और पूछ रहे हैं कि किस प्रीमियम के लिहाज से प्लान लेना चाहिए और क्लेम सेटलमेंट को हमें कैसे देखना चाहिए कोई भी टर्म प्लान लेने से पहले।
हाँ देखिए, टर्म प्लान कितने का होना चाहिए, इसका सीधा सा सवाल आंसर ये है कि आपकी जितनी भी कुल जमा आमदनी है साल की, उसका कम से कम 7 गुना के आपका टोटल इंश्योरेंस होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए की है तो 70 लाख रुपए का आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। और 70 लाख के टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए अगर आपकी उम्र अभी 30 साल की है और आप हेल्दी हैं तो आपको करीब 25 से 28 हजार रुपए का प्रीमियम पड़ेगा, वो आप अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट से पता कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम होते हैं, यानी कि इसमें पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद कुछ वापस नहीं मिलता है, इसलिए इनका प्रीमियम काफी कम रहता है। चलिए, तो यहाँ पर सलाह दे दी गई है जोगेश आपको, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको अपने लिए कोई टर्म प्लान लेना है तो आप तमाम वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने लिए ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं। इसी के साथ अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर अपना आज हमारे शो का हिस्सा होने के लिए और तमाम दर्शकों को अपनी सलाह देने के लिए। इसी के साथ योर मनी में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन अगर आप भी इंश्योरेंस पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ट्वीट कर सकते हैं @kavitath पे, और ईमेल कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और आप चाहें तो फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी अपना सवाल इनबॉक्स कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार। We'll be right back.